रविंद्र पलांडे, मिस्टर अपर्णा सिल, सॉरी डॉक्टर अपर्णा सिल, मिस्टर अतुल पाटिल का भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जैसे कि हमारी परंपरा रही है, किसी भी शुभ कार्य का आरंभ दीप प्रज्वलित और गणेश स्तुति से करते हैं। हम दीप प्रज्वलन के लिए हमारे विशेष अतिथि श्रीमान नीरज जी मोर, श्रीमती पल्लवी जी मोर, मिस्टर योगेश जी समत, मिस्टर रविंद्र पलांडे, डॉक्टर अपर्णा सिल, मिस्टर यश मोर, मिस्टर राकेश सिंह को आमंत्रित करते हैं। हमारे राधा किशन मंदिर के पुजारी श्रीमान विवेक पांडे जी और साथी श्रीमान रंजीत सारंगी गणेश स्तुति प्रस्तुत करेंगे। हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक आमंत्रित करते हैं। कृपया आप सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। इस मंगलाचरण के साथ साथ हम कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो पवित्र वेद मंत्र, पवित्र शांति मंत्र के साथ साथ कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। आलो भद्राः क्रतवायं वर्षमालभासो अवरीदासुभिरः श्रीरातो यथा सदं गुरुः असन्मपरायो रक्षितारो दिवे देवानां भद्रासुमतिर्गुरो यथा सा
धन्यवाद आप सभी का। इस पूरी शाम के कार्यक्रम के लिए हमारे विशेष अतिथि यहाँ पधारे हैं। हम काफी उल्लास और प्रोत्साहन मिल रहा है। हम इन विशेष अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ से करेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान नीरज जी मोर का स्वागत मिस्टर राकेश सिंह सर करेंगे। तालियों से इनका स्वागत कीजिए। करती हूँ श्रीमती पल्लवी जी मोर का स्वागत मिस्टर आकाश बंदीगिरी करेंगे। तालियों से इनका स्वागत कीजिए। Thank you.
कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं संस्था के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान राकेश सिंह सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया राकेश सिंह सर का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। थैंक यू दामिनी। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते, गुड इवनिंग। हमारे आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरज जी मोर, श्रीमती पल्लवी जी मोर, हमारे गोयल फैमिली के राइजिंग सन मिस्टर एस मोर, हमारे डायरेक्टर आदरणीय श्री योगेश जी समत मुंबई से पधारे, हमारे साथी हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से मिस्टर इंदर पलंदे, डॉक्टर अपर्णा सिंह, मिस्टर अतुल पाटिल, हमारे वापी और दादरा परिवार के सभी साथी, उनका परिवार और उनके बच्चे, आप सभी का गोयल परिवार के वार्षिक महोत्सव में मिलन समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुंबई से पधारे जो हमारे मुख्य अतिथि विशेष अतिथि हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस मासिक महोत्सव को शोभा बढ़ाई है, उनके लिए दादा और आपके परिवार के सभी साथियों कृतज्ञ हैं। यह जो हमारा वार्षिक महोत्सव प्रोग्राम है, यह 5 साल के बाद हो रहा है। जो पिछला हमारा वार्षिक महोत्सव प्रोग्राम था वो 7 जनवरी 2017 को था। 5 साल के बाद आप लोग को पुनः देखकर काफी हर्ष हो रहा है। मेरे 5 साल का समय बहुत कठिन था। ये 5 साल का जो साल है हमारे लिए काफी चुनौतियां भरा था। इसमें काफी चुनौतियां आई, काफी इसमें हमने उपलब्धियां भी हासिल की। मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। जब हम 2019 से प्रवेश किए तो जो पहला ही दिन था 2019 का, वो हमारे लिए बहुत ही बुरा था। पहले दिन हमें दुर्घटना का समाचार मिला कि हमारी वापी फैक्ट्री में दुर्घटना हुई है और पूरी वापी फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन था बंद हो गया, और ये हमारे लिए बड़ी समस्या थी क्योंकि वापी की जो प्रोडक्शन है उसका जो मुख्य कंज्यूमर है 70% वो हमारा दादरा और जम्मू प्लांट है। वापी प्लांट का बंद होना, प्रोडक्शन बंद होना, इसका मतलब इनडायरेक्टली दादरा और जम्मू का बंद होना था। चुनौतियां दो थी, एक तो हमारा दादरा और जम्मू का प्रोडक्शन प्रभावित नहीं हो, दूसरा कितना जल्दी हम अपनी फैक्ट्री को खड़ा करें जिससे हमारा प्रोडक्शन यथावत हुआ चालू हो जाए। ये दोनों चुनौतियों को हमारी टीम, वापी टीम ने स्वीकार किया। हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से काफी उनका सहयोग मिला, परचेज, क्वालिटी, R&D, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, सभी ने सहयोग किया और हमने दादरा और जम्मू के प्लांट को प्रभावित नहीं होने दिया। प्रोडक्शन का यथावत चल
अभी भी चुनौतियां हमारे पास वापी प्लांट में है, इसकी कैपेसिटी की इश्यू है, रख सके। दूसरी चुनौती आजकल जीपीसीबी का है, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का जो है,